बहुत सुंदर। माँ इसे पहना करती थी। बरसों पहले उन्होंने मुझे यह हार दिया था और कहा था मेरी बहू को यह पहनाना। मैं कितनी खुशनसीब हूं, हार के साथ मुझे माँ जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कौन आपके घर में इस तरह और कौन घुस सकता है? अच्छा अच्छा नो, बहुत दिनों बाद आया। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, पहले भाभी से मिलवाइए। अच्छा मंगला, मैंने तुम्हें शादी पे नहीं बुलाया इसलिए नाराज हो ना? जी खैर कोई बात नहीं, मंगला को देखते ही तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मंगला ये मेरा दोस्त अनूप है। नमस्ते। नमस्ते मंगला, इनका सामान अंदर रखवा लो। मेरा सामान तो होटल में है। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जब मैं यहाँ अकेला था तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था तब तुम यहाँ रहते थे, और अब जब मंगला आ गई है तो तुम होटल में रहोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे कमल। जी भैया। इनके साथ होटल जाकर इनका सामान यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। तुम्हें मेरे घर नहीं ठहरना चाहिए था। मैं जानता हूँ मंगला, लेकिन मैं आनंद जी की बात टाल नहीं सका, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम चाहते तो कोई भी बहाना बना सकते थे। तुम्हें देखते ही अरमान जाग उठे और सारे बहाने भूल गया। तुम तो सिर्फ वादा भूला करते थे, याद है एक दिन तुमने मुझे मैं जानता हूं मंगला, लेकिन बदकिस्मती ने वादा पूरा करने नहीं दिया। जब डैडी को मैं तुम्हारे घर लाने के लिए कलकत्ता पहुंचा तो वो मुझे मौत के दरवाजे पर मिले, और मैं उसी में उलझ गया। और कुछ महीने बाद जब उनके साथ लौटा तो मेरे प्यार का गला घुट चुका था। अपना अपना भाग गया नु, मुझे तो अपनी शादी से सब कुछ मिल गया है, सच्चा प्यार मिला है। तुम्हें कुछ तो मेरा ख्याल करना ही होगा। अनूप तुम तो जानते हो जब मुझ पर किसी का अधिकार नहीं था तब भी तुम मुझे तोड़ नहीं पाए थे, और अब मैं जिनकी पत्नी हूँ उनकी पूजा करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। विश्वास नहीं आता कि तुम मेरे बगैर खुश रह सकती हो। इतनी रात के इस बात के लिए तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारी तो आंखें हैं, दिखता नहीं मैं कितनी खुश हूं। इसलिए तो कहता हूं कि तुम खुश नहीं हो, अपने अरमानों से इतनी दुश्मनी अच्छी नहीं। आओ मंगला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां दे दूंगा जो मंगला तुम मेरी हो। नहीं तुम नहीं हो सकती। मैं चिल्लाऊंगी मंगला। जी तुम शादी से पहले अनूप को जानती थी? जी उसे प्यार करती थी? जी। उससे शादी भी करना चाहते थे? जी। फिर मुझसे झूठ क्यों बोली? क्यों धोखा दिया मुझे? अपने मन का चोर छुपाकर क्यों बहलाती रही मुझे? बोलो जवाब दो। अब समझ में आ रहा है, अनूप से निराश होकर तुमने मेरा हाथ थामा। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि अनूप अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ, और इसलिए उसने जलकर सच को गलत ढंग से आपके सामने रखा, और कल रात उसने मुझसे बदतमीजी करनी चाही। उसने बदतमीजी करनी चाही या तुमने मुझे गोलियां खिलाकर उसे फुसलाना चाहा? ये आप क्या कह रहे? आप
आपने से सोचा कैसे कि मैं ऐसे का... मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। अंधा तो था ही, तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता तो अच्छा था। मैं अपनी सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। जरा सुनिए, आनंद बाबू घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, आपके लिए ये खत दिया है। मंगला, आदमी जिसे प्यार करता है उसी के हाथों ठगा भी जाता है। हमारा साथ रेल की पटरियों का साथ था, जो पास रहकर भी कभी नहीं मिल पाती। मैं ये घर और इस घर की हर चीज तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा रहा हूं, अपनी मां का हार, जिसकी ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही जिसके तुम काबिल हो। सिर्फ घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जो कुछ भी हुआ उसे हिम्मत से बर्दाश्त करना होगा। तारा, मैं प्यास बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ग्लास का होंठों से लगकर टूट जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मंगला, मेरी जिंदगी में ना आई होती तो अच्छा था। ये शहर, शहर की गलियां, गलियों के लोग, सभी तो उसकी याद दिलाएंगे। तो आप ये शहर भी छोड़ दीजिए। मेरा भी ये ख्याल है, आपकी कला के लिए ये शहर बहुत छोटा है। बंबई जैसा बड़ा शहर ही आपकी सही कीमत कर सकता है। बंबई? अंधेरी रात में आए थे जो शमा बन के, उजाला दे न सके, रह गए धुआं बन के। क्यों फटे हुए तबले की तरह चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? शाप, देखो ना, पता नहीं किधर से आ जाता है। भाभी, तुम जाओ यहां से। अच्छा शाप। भाभी, आप यहां? कब से भटक रही हूँ भैया, कल रात उनको देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ मैं उनकी नजरों में गिर गई हूँ, फिर भी उनके चरणों में रहना चाहती हूँ। लेकिन भाभी, वो तो आपका नाम सुनते ही आप इसे बाहर हो जाते हैं, और फिर आपकी आवाज सुनेंगे तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आवाज, मैं उनके आगे बात ही नहीं करूंगी, मैं गूंगी बन जाऊंगी भैया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, मैं पत्नी की जगह नहीं चाहती, दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। दासी? कौन? कौन है आप? साहब, ये नई नौकरानी है, गूंगी है। गूंगी है? क्या नाम है इसका? दासी। दासी, अजीब नाम है। कमल बाबू ने इसे नौकरी दी है, बेचारी गूंगी है, इसलिए इसके आदमी ने इसको घर से निकाल दिया है। ये मेरी मां की निशानी है, मेरे लिए बहुत कीमती है। ऐसे नौकरों के बीच कब तक बचेगा? आप कहें तो मैं इसे अपने पास संभाल के रख लूं। तुम इसे रखोगी? हाँ। ठीक है, रख लो। कमल जी। भैया, तुम्हें एक जरूरी काम करना है। बतलाइए। मंगला का पता लगाना है। भैया, आपने कहा तो समझ लीजिए पता लग गया,
लेकिन इस बेकरारी का सबब? वो जहां हो, जिसके भी साथ हो, उसे मिलो। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। तलाक? क्यों? मैं तारा से शादी करूंगा। जी? आनंद जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। ओ। आपकी तारीफ? जी मैं उनका पुराना दोस्त हूँ। अच्छा। काफी अरसे से मिला नहीं था, जब उनकी शोहरत के किस्से सुने तो मिलने चला आया। अच्छा, तशरीफ रखिए। दासी, अरे हाँ, आप क्या लीजिएगा, ठंडा या गरम? जी मैं नौकरानी है। खैर छोड़िए, घर तो देख चुका हूँ, फिर कभी आऊंगा। अरे सुनिए, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। नमस्ते। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, मैंने फैसला किया था, जब मुझे आंखों की जोत मिलेगी मैं तारा से शादी करूंगा। नर्स जरा कर्टन खींचिए। यस डॉक्टर। तूने फैसला किया था कि जिस दिन इनकी आंखों की जोत लौट आएगी तू अपनी जिंदगी की जोत हमेशा के लिए बुझा देगी। और तूने ये फैसला किया था कि जिस दिन इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी तू मंगला को उसका हक दिलाकर उनके रास्ते से हट जाएगी। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। ये मेरी माँ का हार है ना? तब तो तुम ही तारा हो। नहीं, तारा मैं हूं। तो फिर आप कौन है? ये मंगला है। तुम मंगला हो? हाँ, इस हार पर मंगला का ही अधिकार है।